चलिए तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पर, प्रोटोजोआ पर। इससे होने वाले रोग के बारे में जरा बात करते हैं हम। मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मलेरिया जो है आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है ना कि होता है, ठीक है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्रभावित अंग जरा देखें, इसमें जो प्रभावित अंग हैं वह आपका स्प्लीन्स। स्प्लीन्स को आप तिल्ली भी बोल सकते हैं, प्लीहा बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन्स और तिल्ली जो है इसमें प्रभावित आपके अंग हैं, और मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा यह फैलाया जाता है, और इसके लिए उत्तरदायी पैरासाइट का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। इसमें अगर आप जरा देखें, थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूँ। स्प्लीन्स, प्लीहा, प्लीहा को ही आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। आप आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है, कहीं नोट कर लें आप इस चीज़ को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। यहीं पर लाल रक्त कणिकाएं अपना दम तोड़ती हैं। एक बात और याद रखिए, प्लीहा को ही रक्त का संचित भंडार भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ब्लड बैंक भी बोला जाता है प्लीहा को। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक बोला जाता है। एक बात याद रखिए, आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, इनिशियल स्टेज में जब उसका निर्माण हो रहा होता है, नए जीवन का निर्माण हो रहा होता है, तो उस समय जो आरबीसीज बनती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो बनती हैं, वह आपकी प्लीहा में बनती हैं, ना कि अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो वो भी कहीं नोट कर लेना आप कि युवावस्था, या एक जैसे अगर मैं कहूँ कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद अस्थि मज्जा में बनना स्टार्ट होती है, लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तब उस समय जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जो निर्माण है वह कहाँ होता है? वह होता है आपका स्प्लीन्स में, प्लीहा में, या पेट में अवस्थित होती है। छोटी सी होती है, पेट में अवस्थित होती है, इसी को रक्त का संचित भंडार भी कहा जाता है। और आरबीसी की कब्रगाह किसको कहा जाता है? आरबीसी की कब्रगाह भी किसको कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखिएगा। मलेरिया के केस में बुखार बहुत तेज़ रहता है, कमजोरी आने लगती है, और कहीं ना कहीं यकृत भी इससे प्रभावित रहता है। पर अगर मोस्टली पूरा ओवरऑल बात करें तो इसके लिए कौन सा अंग सबसे ज़्यादा अगर वो होता है, पर प्रभावित होता है, तो उसके लिए है प्लीहा स्प्लीन्स, ठीक है। इसके लिए आपकी एक दवा आती है, उसको याद रखिएगा, कुनैन, कुनैन नामक दवा आती है। इसको आप कुनैन ऐसे भी बोल सकते हैं। कुनैन नामक दवा मलेरिया में जो है लाभकारी है। इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है? सिनकोहना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। हिंदी में इसको आप ऐसे लिख लें, सिनकोहना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोहना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है क्या? कुनैन। कुनैन नामक दवा आपकी सिनकोहना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। उत्तरदायी है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा यह फैलाया जाता है। प्रभावित अंग है प्लीहा। प्लीहा के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज मैंने दी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ ली जाती है, क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो एक रोग और आता है, प्रोटोजोआ से ही उसका लेना देना है, ठीक है। उसको आप कह लीजिए आप स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस।
होता इसमें क्या है स्लीपिंग सिकनेस में, ये कोई बहुत ज़्यादा सोने की बीमारी नहीं कहेंगे आप इसको, इसमें आदमी एकदम सुस्त पड़ जाता है, उसके दिमाग में सूजन आ जाती है और यह फैलता है किसकी वजह से, यह फैलाता है सीसी मक्खी, सीसी मक्खी द्वारा यह फैलाया जाता है। और क्या फैलाया जाता है इसके लिए, जो आपको पैरासाइट जिम्मेदार है वो है ट्रिप्नोसोमा गैबियन। ट्रिप्नोसोमा गैबियन जो है इसके लिए उत्तरदायी है, इसको फैलाएगा कौन, सीसी मक्खी फैलाती है। खासकर यह आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलती है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलती है, ठीक है ना, अफ्रीका के आप वहाँ से, अफ्रीका से मक्खी वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। सीसी मक्खी जो है इसको फैलाती है और इसके लिए पैरासाइट का कौन जिम्मेदार है, ट्रिप्नोसोमा गैबियन, ठीक है, इसको याद रखिए आप। डिसेंट्री, एक और आता है डिसेंट्री, पेचिस, पेचिस भी पैरासाइट की वजह से ही फैलता है, ठीक है, पेचिस भी पैरासाइट की वजह से फैलता है डिसेंट्री। इसके सिम्टम्स आपके कॉलरा डायरिया से मैच खा सकते हैं, पर जो है यह होता किसकी वजह से है, यह होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से डिसेंट्री, ठीक है, इसको याद रखें डिसेंट्री। एक और होता है जियार्डिसिस, यह भी प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है, जियार्डिसिस जो है किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। और पेचिस के लिए जो अगर आप जिम्मेदार करेंगे ठहराएंगे उसके लिए एंटामीबा, इसके लिए जिम्मेदार है कौन, एंटामीबा। तो यहाँ से आप देखिए मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, पेचिस, जियार्डिसिस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक नाम और लिखूं, फाइलेरिया, फाइलेरिया, हाथी पांव, एलिफेंट फुट, हाथी पांव, फाइलेरिया, ये भी कहीं ना कहीं ये प्रोटोजोआ से ही फैलते हैं। तो आप इन नामों को बहुत अच्छे से याद करिए कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से, मेनली मलेरिया, देन आपका पेचिस, स्लीपिंग सिकनेस, जियार्डिसिस, फाइलेरिया, हाथी पांव, यह सब परजीवियों के कारण फैलने वाले रोग हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले आपके रोग हैं, क्लियर। तो यहां पर यह प्रोटोजोआ का सेक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, फंगस पर आते हैं, ठीक है, फंगस पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये लास्ट है इसका, कवक, ठीक है। कवक पर अगर ज़रा देखें, फंगस, फंगल इन्फेक्शन आपने सुना होगा, तो यहाँ से जो होने वाले रोग हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। दमा, खाज, दाद, यहाँ पर दाद आएगा, गंजापन एंड एथलीट फुट, एथलीट फुट, और भी हो सकते हैं, आप इनको इतना याद रखें, इतना बहुत है। देखिए दमा, खाज, दाद, गंजापन, गंजेपन के लिए और भी कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अगर तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो उसके लिए भी गंजापन हो सकता है, बाल झड़ने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, वो अलग है इशू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो फंगस, फंगस से गंजापन होता है, एक रोग होता है फंगल इन्फेक्शन, मैं यहाँ थोड़ा बता दे रहा हूँ, जो लोग स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं जनरली हो जाता है यह, आप अगर मास में रह रहे हैं कहीं पर तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती है, उसको कहते हैं सोराइसिस, ठीक है। सोराइसिस के केस में क्या होता है, सोराइसिस के केस में आपके सर पे या कहीं पर भी चकत्ते पड़ने लगते, जैसे सफ़ेद रंग की, जैसे रूसी टाइप की पड़ने लगती है, वो एक्चुअली रूसी नहीं रहती है, रूसी बहुत माइनर रहती है, छोटी रहती है, पर जो सोराइसिस में जो निकलते हैं, स्किन जो निकलती है वो काफ़ी बड़ी टाइप की निकलती है, ठीक है ना, जैसे जजट्ठा टाइप का छूटता है वैसा रहता है इसमें, और इसको आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए वहीं से, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो जहाँ जहाँ सर पे होगा वहाँ पर गंजापन होने का चांस बढ़ जाएगा आपका, वहाँ से बाल ही गायब होने लगेंगे धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन के कारण, और या फिर बाद में अपना इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि दिक्कतें होने लगती हैं, क्लियर। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, सोराइसिस।
गंजापन, दांत, खाज, दमा, एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है, अगर आप सॉक्स बहुत देरी तक पहने रहें तो आप देखते होंगे जो उंगलियों के बीच में है सड़न चालू हो जाती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है एथलीट फुट। उंगलियों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा देर नमी है तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहाँ पर जो है आपका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा रोगों का मेनली जो आपके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाले जो रोग हैं ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं उन जनरल रोगों के बारे में जो कि जिनके लिए कोई बहुत उस तरह से कोई कारण नहीं है, इनमें से कोई कारण नहीं है, है ना। जैसे कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं, बुलीमिया के बारे में बात कर लेते हैं, अथराइटिस के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके लिए कोई प्रॉपर इस तरह से ये जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हो सकता है कोई रासायनिक घटक आपका जिम्मेदार हो, है ना, या कोई और चीज जिम्मेदार हो, तो उसके बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें अगर मैं आपको बात करूं कैंसर, कुछ जनरल चीजों के बाद बात कर रहा हूं, बुलीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इनको अंग्रेजी नाम ही याद रखिए, आपको यही एग्जाम में आएंगे, इटाई इटाई, या इसे आउच आउच भी कहते हैं। अभी इन सब की बात कर रहा हूं मैं। अगला अगर देखें तो अथराइटिस, ठीक है, तो आपको ये दिख रहे हैं कुछ कॉमन नेम्स हैं आपके, कैंसर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बुलीमिया, इटाई इटाई, एंड आपका है अथराइटिस, इसके बाद फ्लोरियासिस, फ्लोरियासिस, इनकी बात जरा करते हैं क्योंकि इनसे भी सवालें पूछ ली जाती हैं आपकी। कैंसर, कैंसर में हम ब्लड कैंसर की यहाँ बात कर रहे हैं, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर होता तब है जब WBC की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, WBC की मात्रा RBC के मुकाबले अनियंत्रित होकर के बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा तेज बढ़ने लगती है। वैसे अगर देखेंगे नॉर्मली ब्लड में RBC के अगर कंपैरिजन में करें बात, तो जो WBC की संख्या होती है वह उसका मात्र 1% होती है आपकी। RBC की संख्या की अपेक्षा WBC की संख्या 1% के आसपास रहती है, लेकिन जब ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो जाता है तो यह 1% नहीं रहता है, यह उससे ऊपर चला जाता है। तो यह RBC को सुपर इंपोज करने लगता है, दबाने लगता है। लोगों को लग सकता है कि WBC अगर बढ़ रही है, WBC का मतलब होता है, WBC का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, यह आपकी एंटीबॉडी होती हैं, लड़ती हैं, यह एंटीबॉडी होती हैं, ये क्या काम करती हैं, बाहर से आने वाली जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बाहरी चीजें हैं, उनसे यह आपको क्या करती है, लड़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करती है WBC। लेकिन ल्यूकेमिया के केस में ये जो इनका निर्माण जो अत्यधिक हो रहा है, हो सकता है ऐसा लगे कि अब तो और बढ़ना चाहिए हमारा, मतलब लड़ने की जो क्षमता है वह और इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो नई सेल्स बनती हैं यह पुराने सेल की तरीके कारगर नहीं होती हैं, यह उल्टा नुकसान करती हैं, ठीक है। तो ल्यूकेमिया में WBC की संख्या अनियंत्रित होकर के बढ़ने लगती है RBC के मुकाबले। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ये नाम याद रखा करिए आप, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। WBC को एक नाम और बोला जाता है, उसको क्या बोला जा रहा है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। अगर यहीं हम एक बात और करें तो आपका RBC रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हम इसकी बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा आप यहां पर देख लें, RBC रेड ब्लड सेल्स, इनको क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, और इसी में आपको एक और नाम याद होगा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है आपकी वो, उनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स,
को बोला जाता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अंग्रेजी में ही आप नाम याद रखें तभी बेटर है आपके लिए। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को क्या बोला जा रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। कैंसर, ब्लड कैंसर, उसको ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। प्रभावित अगर अंग देखें तो इसमें क्या होगा, जहां पे बनती है वहीं पर होता है प्रभावित बोन मैरो। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। क्या है भैया, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा आपका प्रभावित होता है, ठीक है, कैंसर के केस में। इसके लिए, इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन केसेस बड़े क्रिटिकल टाइप के होते हैं और यहाँ पर आपका इनका इलाज जनरली संभव नहीं है। पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, वो अभी भी इतना डोनर नहीं मिलते हैं, मिल भी जाते हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तमाम तरीके के रीजंस रहते हैं। तो जहाँ तक है 90% केसेस में मौत हो ही जाती है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं जरा हम, बुलीमिया। बुलीमिया यह खाने का रोग है। क्या है भैया, यह खाने का रोग है। देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, यह एक तरीके का मानसिक रोग है। इसमें पता नहीं लगता है आदमी को कि उसे खाते खाते कब रुकना है, है ना, उसे खाते खाते कब रुकना है उसको मालूम नहीं लगता। खाता रहता है, फिर पूरा जब पेट भर जाता है फिर उल्टी करेगा, फिर खाएगा, फिर उल्टी करेगा, फिर ये इसी तरह से यह इस रोग में चलता रहता है। उसको मालूम ही नहीं लगता है कि उसे कब खाते खाते रुकना है। गांव देहात में थोड़ा कम लागू होता है ये, ठीक है, ढेर भन के खाते रहते हैं लोग, वो अलग इशू है, है ना। तो यहाँ पर खाने का ये रोग है, खाने का रोग, मालूम नहीं लगता है कि उसे खाते खाते कब रुक जाना है। तो यह बुलीमिया जो है खाने का रोग है। इधर आता है यार ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब मैं नाइट्रोजन की क्लास ले रहा था तो मैंने वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है, जब छोटे बच्चों के शरीर में नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, हो सकता है वो पानी के थ्रू चला गया हो, है ना, जहां तक है कि उसी के थ्रू जाता ही है, कोई घुट्टी तो पिलाएगा नहीं कि ले भैया नाइट्रेट पी ले, है ना। तो पानी के थ्रू जब उसके शरीर में नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल उसके शरीर में घटने लगता है, और ज्यों ज्यों ऑक्सीजन का लेवल उसके शरीर में घटने लगता है उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है, इस वजह से नीला पड़ने लगता है, उसी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जो मुख्य कारण है वो है भैया आपका नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट पानी के थ्रू पहुंच सकता है, पानी में कहां से पहुंचेगा, पानी में पहुंचने के भी तमाम तरीके के साधन है। मान लीजिए कोई खाद की फैक्ट्री है, वहां से जो वेस्ट निकल रहा है वह पानी में चला गया और वहां से लोगों ने पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया। खेतों में यूरिया डाली जाती है, वहां से छन करके धरातल के पानी में चला गया, वहां से समरसेबल के थ्रू ऊपर आ गया और वहां से लोगों ने उसको ग्रहण किया। तो नाइट्रेट्स इस तरह से शरीर में पहुंच जाता है। अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक हो गई तब जाकर के ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं जरा, इटाई 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 कैडमियम सीडी। कैडमियम, कैडमियम की मात्रा शरीर पे बढ़ने पर क्या होता है कि जो हड्डियां हैं, हड्डियां इतनी कमजोर होने लगती हैं कि जरा सा भी चोट वगैरह लगने पर टूट भी सकती हैं और इनमें बराबर जो है दर्द बना रहता है। आउच, इसीलिए आउच आउच लिखा हुआ है कि अगर कोई जरा सा भी कहीं, मतलब अगर आपको टच भी कर रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि पेन होने लग रहा है। अब वह कैडमियम की वजह से होता है, ठीक है। कैडमियम का कई जगह इस्तेमाल होता है, बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि मॉडरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर आपने सुना होगा, मंदक, मंदक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, जो नाभिकीय प्रक्रिया चल रही है उसको धीरे करने के लिए या रोकने के लिए कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो शरीर में कैडमियम की मात्रा बढ़ने पर इटाई इटाई नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस पर आते हैं जरा, फ्लोरियासिस, फ्लोरीन की वजह से होता है। दांत आपके क्या है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़े तो दांत घिसने लगते हैं, इनका क्षरण होने लगता है। पानी के थ्रू ही ये पहुंचते हैं, जहां पर पानी में फ्लोरीन की मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है वहां पर यह रोग होता है। दांत से यह लेना देना है इसका, बक्कल कैविटी जो है आपकी, वहां पर क्या होगा, यह दांत ऊपरी पार्ट जो है उसका घिसने लगेगा, उसका क्षरण होने लगेगा फ्लोरियासिस में, क्लियर। और अथराइटिस,
अथराइटिस, इसको गठिया भी कहते हैं, गठिया खासकर बुजुर्गों में होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लें। गठिया नामक रोग यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। थोड़ा सा मैशअप करके लिखा हूं, पर अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा कहां पर किस तरह से इसका आप पूरा का पूरा लेक्चर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अथराइटिस की बात कर रहे हैं, गठिया रोग, गठिया रोग जो होता है यूरिक अम्ल के जमाव के कारण शरीर में होता है, खासकर बुजुर्गों में होता है। या क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे एज होने लगती है वैसे वैसे जो मानव शरीर में कुछ अंग हैं वह अपना कार्य उस तरह से नहीं करते जितना यंग एज में करते हैं। तो यहां पर आपका यूरिक अम्ल से जो लेना देना है अंग का वह है किडनी, गुर्दा। बुजुर्गों में गुर्दा जो है उसकी कार्य क्षमता हल्की सी जो है वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से वह यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर सही से नहीं कर पाता है। और जब यह इकट्ठा होने लगता है उन जोड़ों पर या जोड़ों पर इकट्ठा होता है तो वहां से आपका गठिया रोग का शुरुआत होता है। तो अथराइटिस कहते हैं गठिया को, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, गुर्दे अपनी कार्य क्षमता जो उनकी थी पहले उससे कम हो जाती है, इस वजह से इसको बाहर नहीं कर पाते हैं। और बाहर नहीं कर पाते हैं जिसका जमाव इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, और वहां से इस रोग की शुरुआत हो जाती है। एक आपने सुना होगा मांसपेशियों में जो दर्द होने हो जाता है, या बहुत ज्यादा अगर आप थक जाते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किस अम्ल के कारण होता है भैया? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो कृपा करके यहां पर अथराइटिस को इससे मत रिलेट करिएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों वगैरह में बहुत ज्यादा थकान होने पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वह किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। बहुत ज्यादा थक गए हैं आप तो वहां पर जो शरीर में पेन रहता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण रहता है। तो यह कुछ एक्स्ट्रा रोग हैं जिनका वायरस, फंगस, इन सबसे लेना देना नहीं है, इनके लिए आप देख रहे होंगे प्रॉपर कोई ना कोई इस तरह से कंपाउंड जिम्मेदार है, कोई ना कोई तत्व जिम्मेदार है, तो इनको भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर रोगों का ओवरऑल सेक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी हम देखेंगे कि किस तरह से आगे आने वाली, अगर कहीं एकाध दुक्का रह जाएंगे तो हम उसको बीच के लेक्चर्स में डील कर लेंगे, पर हालांकि यहां तक ओवरऑल सारी चीजें निपट गई हैं, ठीक।